Hey Law Girians, welcome to Law Giri. I hope you have subscribed to Law Giri's YouTube channel and hit that bell notification on so that you do not miss any of our videos. I hope you are following us on Instagram because we do pretty amazing stuff out there. As Punjab University has published the tentative merit list for 3-year law admissions 2020, in this video we are going to discuss the cutoff, category wise seats, counseling process, calculation of marks, which is very important. So I'm going to tell you everything, सब कुछ बताऊंगी मैं आपको इस वीडियो में. चलिए देखते हैं. Where to check the list? आप जो लिस्ट है वो चेक कर सकते हैं. ऑनलाइन एडमिशन करके इनकी वेबसाइट है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे टेंटेटिव मेरिट लिस्ट दिखेगी. इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसी सी लिस्ट दिखेगी. वहाँ पे आपने जाना है LLB 3 years पे, एंड जब आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरी की पूरी लिस्ट दिख जाएगी. ओके फाइन, तो आप चेक कर सकते हैं अपना रैंक. नंबर ऑफ सीट्स देख लेते हैं. नंबर ऑफ सीट्स मेन कैंपस में, जो कि है डिपार्टमेंट ऑफ लॉज पीयू चंडीगढ़, मेन कैंपस में आपकी 300 सीट्स हैं. ठीक है, पीयू रीजनल सेंटर मुक्सर के अंदर 60 सीट्स हैं, पीयू रीजनल सेंटर लुधियाना के अंदर भी 60 हैं और होशियारपुर के अंदर भी 60 सीट्स हैं. अगर आप देखना चाहते हैं इसका रिव्यू, रीजनल सेंटर्स का रिव्यू कि कैसे हैं, क्या आपको ऑप्ट करना चाहिए रीजनल सेंटर्स के लिए, तो मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो करी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. प्लीज़ चेक कर लेना इफ़ यू आर कंसिडरिंग कि आपको रीजनल कैंपस में एडमिशन लेनी है. राइट, देख लेते हैं कैटेगरी वाइज सीट, सो दैट आपको आइडिया हो जाए कि आपकी एडमिशन कहाँ पर होगी, मेन कैंपस में या कहीं और. ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ लॉज में हमें पता है 300 सीट्स है, जर्नल कैटेगरी की 160 सीट्स है, SC की शेड्यूल कास्ट कैटेगरी की आपकी 45 है, ST की 23 सीट्स. थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती हैं बिकॉज मैंने अपने हिसाब से कैलकुलेट करी है, बट अराउंड इतनी ही बनेगी. बैकवर्ड कैटेगरी में 15 है, पर्सन विद डिसेबिलिटी 15 सीट्स, स्पोर्ट्स 15, डिफेंस 15, 1984 राइट्स 6 सीट्स बनती हैं, फ्रीडम फाइटर्स की 6. उसके बाद आपकी बाकी सारी भी मैंने कैलकुलेशन दी हुई है, तो आप देख सकते हैं कि आप कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और आपका रैंक कितना है. उसके अकॉर्डिंग आप एस्टिमेट लगा सकते हैं कि आपकी एडमिशन मेन कैंपस में या रीजनल कैंपस में होगी या नहीं. मैं अभी आगे ये भी डिस्कस करूँगी कि लास्ट ईयर की कट ऑफ कितनी गई थी. हम चेक करेंगे लास्ट ईयर की कट ऑफ कितनी गई थी. ठीक है ना, लास्ट ईयर हर कैटेगरी में कितनी कट ऑफ गई थी, लास्ट रैंक कौन सा था. बट उससे पहले आई वांट टू टेल यू टू थिंग्स. नंबर वन, लास्ट ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, तो ठीक है कट ऑफ का फर्क पड़ जाएगा. इस बारी देयर इज नो एंट्रेंस एग्जाम, लास्ट ईयर देयर वाज एन एंट्रेंस एग्जाम. नंबर टू, लास्ट ईयर सिर्फ 2 मंथ्स के लिए एप्लीकेशंस ओपन हुई थी. ठीक है, जैसे नॉर्मली हर एग्जाम के लिए होती हैं, बट इस बार कोविड की वजह से द ड्यूरेशन फॉर विच द एप्लीकेशन वाज ओपन वाज लॉन्ग. More candidates have applied for admission in 3-year law course, right? तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखते हुए जब भी आप देखें, यू नो, कैलकुलेट करने, एस्टिमेट लगाएं कि क्या आपकी एडमिशन हो पाएगी या नहीं, तो प्लीज़ नंबर ऑफ सीट्स भी देखना और लास्ट ईयर का कट ऑफ भी देखना, बिकॉज इस बारी रैंक थोड़ा लोअर रैंक्स पे ही कट ऑफ होने के चांसेस हैं. राइट, देख लेते हैं जर्नल कैटेगरी. देखिए जर्नल कैटेगरी में लास्ट ईयर जो फर्स्ट लिस्ट आई 209 लास्ट रैंक था, एंड देन उसके बाद इतनी सारी लिस्ट आई, मतलब कभी एक वैकेंसी हुई, कभी 2, कभी 3. तो 7th जो लिस्ट आई लास्ट आई उसमें 296 जो रैंक था उनको एडमिशन दिया गया. देखिए अब एक चीज़ जो मैं आपको समझा देना चाहती हूँ, जब भी जो लिस्ट होती है वो वैकेंसी पे बेस्ड होती है. मतलब अब देखिए फर्स्ट में 209 तक को इनवाइट किया गया. ठीक है ना, बहुत लोग देखिए सबसे पहले तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो वो रैंक्स निकल जाते हैं. उसके बाद जो फर्स्ट लिस्ट आती है, देखिए 209 था, ठीक है ना लास्ट, उसके बाद वैकेंसीज बहुत होती है, किसी को कहीं एडमिशन मिल गया, किसी को कहीं, तो वो आपको चेक रखना पड़ता है कि अगर वैकेंसी आई है और आपका रैंक आया है तो फटाफट से जाके आप फीस डिपॉजिट कर सकते हो. इसीलिए काउंसलिंग में अगर आपके रैंक को बुलाया गया, आप मतलब आप एक रैंक देते हैं, रेंज देते हैं कि इतने से इतने रैंक तक के लोगों को ये बुलाएंगे, अगर आपका रैंक उसके विदिन आता है तो काउंसलिंग ज़रूर अटेंड करें. राइट, दूसरे कैटेगरीज देख लेते हैं. फर्स्ट लिस्ट के अंदर शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के 57 रैंक को बुलाया गया, उस 72, 75 एंड 100. राइट, उसके बाद आपकी डिफेंस कैटेगरी आ जाती है 22, फर्स्ट कैटेगरी में 41 लास्ट गया, एंड फर्स्ट लिस्ट के अंदर शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी 13 तक रैंक इन्वाइट करेगा. What you need to do, number one, check if they have asked you to submit any document, keep the document ready. आप देखेंगे towards the right side एक column बना हुआ है, उसके अंदर they have asked you to submit any document. कुछ है, कोई भी document अगर वो submit करने के लिए कह रहे हैं तो please वो submit कर दीजिए. अगर तो कह रहे हैं at the time of counselling लेकर आना है तो at the time of counselling, नहीं तो आप उनको email कर सकते हैं. right, if it is a document which will take your rank higher, raise objection immediately. Maybe आप PU weightage के लिए, मतलब आप eligible हो PU weightage के लिए, but उन्होंने नहीं दी है. PU weightage उनको मिलती है जिन्होंने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन पंजाब यूनिवर्सिटी या उसके किसी एफिलिएटेड कॉलेज से करी होती है तो उनको पीयू वेटेज मिलती है। ओके, बाय चांस आपको एनएसएस की वेटेज मिलनी चाहिए जो नहीं मिली है तो भी आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। आप कोई आप कैटेगरी को बिलोंग करते हैं वो इन्होंने कंसिडर नहीं किया तो भी आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। राइट, मैं आपको बताऊंगी ईमेल कहाँ पे सेंड करनी है। स्टेप थ्री इज चेक योर मार्क्स एंड कैलकुलेशंस। प्लीज कैलकुलेशंस चेक करें, मैं आपको वीडियो में बताऊंगी कैलकुलेशन कैसे चेक करनी है। स्टेप फोर इज इफ देयर इज एनीथिंग व्हिच इज इनकरेक्ट देन प्लीज रेज ऑब्जेक्शन। ओके, so if you have any problem or if there is any incorrect thing in the details in the information that you have given to the university, if it is related to category, if it is not related to category or weightage, send the email to laws department, that is laws_dept_pu@pu.ac.in. in case of category or weightage you have to send the email to admn_support@pu.ac.in by 31st of October 2020, that is by today you have to send them an email by 5 PM. Okay, kindly mail scan copy of relevant documents along with details such as name and application number. तो आपने name लिखना है, अपना application number लिखना है और जो भी आपको problem है, जो incorrect चीज़ है वो mention करनी है and अगर उससे related कोई document है तो वो भी send करना है। For example, अगर वो कह रहे हैं यू आर नॉट एलिजिबल फॉर पी यू वेटेज बट यू आर एलिजिबल देन यू विल बी सेंडिंग योर DMCs प्रूविंग that you are eligible for PU weightage. Same is for category also. Okay, fine. How to calculate the marks? Now this was one question that everyone is asking कि हम calculate कैसे करें। देखिए इन्होंने qualifying norm calculate किया है 2400 को base मान के, right? मतलब किसी ने कोई अगर किसी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करी है, किसी के कितने सब्जेक्ट्स थे जब एग्ज़ाम दिया, ठीक है, तो सब कुछ अलग अलग है तो उन्होंने बेस क्रिएट किया है 2400। तो अब आप अपना क्वालिफाइंग नॉर्म कैसे निकालोगे, एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए इसमें आपके टोटल मार्क्स ऑब्टेन, मतलब आपने एक्चुअल में स्कोर कितना किया अपनी क्वालिफाइंग एग्जाम में, मतलब ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में, और आउट ऑफ कितना, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल 8480 10,000 में से आपने स्कोर किया, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, आप इसको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे क्वालिफाइंग नॉर्म निकालने के, दैट इज 2400 अपॉन 10,000 दैट इज टोटल मार्क्स इनटू 8480, तो आपका आ जाएगा 2035.2। तो ये आपका क्या आ गया, क्वालिफाइंग नॉर्म। क्या आ गया, क्वालिफाइंग नॉर्म। अगर आप लिस्ट देखोगे वहाँ पे क्वालिफाइंग नॉर्म लिखा हुआ है वहाँ पे और नीचे 2400 मेंशन किया हुआ है, राइट। तो ये क्वालिफाइंग नॉर्म हो गया। अब आपने अगर पीयू की वेटेज निकालनी है, अगर यू आर एलिजिबल फॉर पीयू वेटेज, दोबारा रिपीट करियो, पीयू वेटेज के लिए वो लोग एलिजिबल हैं जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन पंजाब यूनिवर्सिटी से करी है या फिर कोई पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कोई कॉलेज है वहाँ से करी है, राइट। तो आप क्या करोगे 5/100 5% इंटू क्वालिफाइंग नॉर्म 2035.2, राइट। तो उसके बाद आपका आ जाएगा 10.76। ऐसे ही आप NSS या NCC जो भी आपकी आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं उसके लिए आप एलिजिबल हो तो वैसे आप अपना निकालोगे एंड टोटल को इसमें ऐड कर दोगे, राइट। जैसे 2035.2 प्लस 101.76 तो ये आपका 2136.96 बन जाएगा। तो ये आपका टोटल बनेगा। ऐसे आपने कैलकुलेट करना है, आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे, राइट। सो गाइज प्लीज़ अपने मार्क्स कैलकुलेट करके चेक कर लेना। ये वाले फॉर्मूलाज जो मैंने सारे फॉर्मूलाज बताए हैं वैसे अपना मोबाइल लो, पेपर पेन लो, मार्क्स नोट करो एंड कैलकुलेट इट, राइट। प्लीज़ अपने मार्क्स भी चेक कर लेना कि जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स हैं वो करेक्टली मेंशन किए हुए हैं उन्होंने या नहीं। ओके, काउंसलिंग प्रोसेस, बहुत लोग काउंसलिंग प्रोसेस पूछ रहे थे। देखिए, अ कैंडिडेट हुज नेम अपीयर्स इन मेरिट लिस्ट विल बी रिक्वायर्ड टू अटेंड काउंसलिंग पर्सनली अकॉर्डिंग टू हिज और हर मेरिट पोजिशन on the days shown in the counseling schedule listed in important dates and information for entrance test. The dates of any further counseling, if any, will be uploaded on the online notice board and also on the physical notice board of the department concerned. तो basically आपके ranks के according counseling होती है, मतलब मान लीजिए 1 से लेके 500 तक rank बुलाया है category wise और वो dates दी जाएंगी, उसके according you have to attend the काउंसलिंग, ठीक है ना। और यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम मेंशन किया हुआ है क्योंकि ये प्रोस्पेक्टस जो है ये तब का है जब एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करना था, राइट। तो यू विल बी डूइंग सो। अगर आपको काउंसलिंग के लिए इनवाइट किया गया है, मेक श्योर यू अटेंड द काउंसलिंग फॉर श्योर। फिजिकल प्रेजेंस इन द काउंसलिंग इज मैंडेटरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। देखिए, हमें ये नहीं पता ऑनलाइन काउंसलिंग होगी या फिजिकल काउंसलिंग होगी तो उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा इनकी गाइडलाइंस के लिए। on the notified date. All those candidates who attend the counseling are required to sign the attendance sheet as a mark of their attendance. Only those candidates who appear, report and mark their attendance on the days of counseling will be considered for admission in the subsequent counselings for the filling up of vacant seats. तो counseling attend करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसे जैसे vacancies आएंगे उन्हीं लोगों को invite किया जाएगा जिन्होंने counseling attend करी है, ठीक है ना. The candidate must bring along with all the original documents. जितने भी आपने documents, scan documents submit किए हैं उनके original documents आप लेके जाएंगे फॉर श्योर. ओके, इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं. देखिए, आप अपने ऑब्जेक्शन जो हैं वो 31/10/2020 तक आप रेज कर सकते हैं. राइट, अपलोडिंग ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 2 नवंबर 2020 को. प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट टू बी सेंड टू DAUI ऑफिस फॉर अप्रूवल. तो अप्रूवल्स होंगे, सब कुछ होगा. आपकी लिस्ट 4 नवंबर से लेकर 10 नवंबर 2020 तक अपलोड हो जाएगी एंड देन आपको इन्वाइट किया जाएगा फीस डिपॉजिट के लिए. एडमिशन विदाउट लेट फीस आप 14 नवंबर 2020 तक, मतलब 14 नवंबर 2020 तक आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि आपके एडमिशन हो रही है या नहीं. उससे पहले सब कुछ हो जाएगा. राइट, तो कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस ये कह रहे हैं 18 नवंबर 2020 से ये क्लासेस कमेंस कर देंगे. राइट, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा. चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए. और अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लॉ गिरी पे उसकी नोटिफिकेशन मिले तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिएगा. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे बताइए कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बना सकूँ जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके. आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं. वहाँ पर मैं @IamLawGiri के नाम से हूँ. वहाँ पर आप फॉलो कीजिए क्योंकि वहाँ पर हम बिल्कुल डिफरेंट कॉन्टेंट डाल रहे हैं और चाहते हैं कि मैं आपको वीकली न्यूज़ लेटर भेजूँ जिसके अंदर मैं लॉ के बारे में और भी अच्छे से बात करती हूँ. तो प्लीज़ अपनी ईमेल आईडी, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहाँ पे जाके अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर दीजिए ताकि जब भी मैं कुछ ऐसा करूँ आपको ईमेल पहुँच जाए और आप वो देख सके. वो मैं यूट्यूब चैनल पे नहीं डालती हूँ, वो सिर्फ मेरे जिन्होंने न्यूज़ लेटर सब्सक्राइब करा हुआ है उनको भेजती हूँ. आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द. बाय.